हेलो ट्रेडर्स, मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज तारीख है 6 जनवरी 2022। तो आज का ट्रेडिंग रिव्यू कर लेते हैं। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 17 नवंबर को मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था। तो मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग में, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग में इनडिसिप्लिन हो गया था। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाने का मेरा मन भी नहीं कर रहा था, और प्रॉफिट भी हो रहे थे, लॉस भी हो रहे थे, लेकिन चार्जेस में सब प्रॉफिट चले जा रहे थे। तो आज अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है और आज बहुत ही रिकवरी हुई है। आज जो मेरे पास अमाउंट लास्ट में बचा था वो सिर्फ 7,800 रुपीज़ ही बचा था। तो उससे मैंने 39,000 का मेरा जो लॉस था वो भी रिकवर कर लिया और अराउंड 79,000 का प्रॉफिट भी किया। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं इस वीडियो में आज क्या क्या गलतियाँ हुई और उन गलतियों को कैसे मैंने यहाँ पे मैनेज करके 79,000 का प्रॉफिट किया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी, मैंने आज बैंक निफ्टी में ही ट्रेड किया है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था लगभग 400 साढ़े 400 पॉइंट 37,242 पे। उसने हाई मारा 37,752, लो था 37,058 और इसका जो प्रीवियस क्लोज था वो था 37,695। तो हम सीधा चलते हैं पोजीशन में। यहाँ पे देख सकते हैं आप 79,447 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। और ये जो लॉसेस दिखाई दे रहे हैं 9,000 10,000, ये मॉर्निंग के लॉसेस है। लगभग 2 बजे के आसपास मेरा जो लॉस था वो 39,000 के आसपास क्रॉस कर गया था और मेरे पास जो अमाउंट था वो सिर्फ 7,000 रुपीज़ ही बचे थे, 7,800 रुपीज़। लेकिन 2 बजे के बाद मेरा माइंडसेट ने और बैंक निफ्टी ने स्पेशली मेरे अच्छा मुझे रिकवरी करने में हेल्प की और बैंक निफ्टी वन डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में पहले मूव हुआ 2 बजे के बाद, उसके बाद थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव दिया। सो इन दोनों ही मूव में अराउंड मुझे 79,000 का प्रॉफिट हुआ है और मेरा 39,000 का लॉस भी रिकवर हो गया। अगर दोनों को हम मिला गए तो लगभग 1,20,000 रुपीज़ प्रॉफिट मैंने जस्ट 1.5 आवर में यहाँ पे आज किए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 37,600 के सी में 29,000 का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 40,000 का एक प्रॉफिट हुआ है और 43,000, और यहाँ पे लॉसेस भी बड़े बड़े हैं। 40,000 का एक लॉस है सबसे बड़ा, यहाँ पे एक 15,000 का प्रॉफिट है, बाकी तो छोटे लॉस है एक 8,000 का है और यहाँ पे 10,000 और 9,000। सो टोटल मिला के 79,447 रुपीज़ का आज का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं आपको ये मैंने 39,000 लॉस रिकवर करके कैसे इतना प्रॉफिट किया है मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर बुक में। तो चलिए ऑर्डर बुक को चलते हैं। यहाँ पे हमको आना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे देखिए 2:10 तक मेरा जो लॉस था 2:09 तक 39,000 रुपीज़ का लॉस था, लेकिन उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी अराउंड वहाँ पे 37,450 के अराउंड वहाँ पे घूम रहा था, 400 to 450। उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया, यहाँ पे मेरे पास जो अमाउंट बचा था वो था ओनली 7,800 रुपीज़। नाउ मैंने एक ट्रेड लिया, मुझे ऐसे लगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो उसके बाद मैंने 25 रुपीज़ पे 300 क्वांटिटी ली। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज के मेरे वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि जब आप ट्रेड करते समय अगर आपको बड़ा लॉस हो जाता है तो आप उसको कैसे रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं, ये आप इससे सीख सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इससे मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी। सो मैंने 25 रुपीज़ पे यहाँ पे बाय किया और 57 रुपीज़ को इसको सेल कर दिया। ये जो ट्रेड चला लगभग 8 मिनट तक, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो मुझे प्रॉफिट हुआ है लगभग 9,300 रुपीज़ का, लगभग 31 पॉइंट यहाँ पे मिले और 300 मेरी क्वांटिटी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड था वो था 66 रुपीज़ पे मैंने बाय किया था 250 क्वांटिटीज़ और 101 पे उसको सेल कर दिया।
इस ट्रेड में भी मुझे लगभग 8,600 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। नाउ नेक्स्ट मैंने ट्रेड लिया 2:30 पे 59 रुपीज़ पे और उसको सेल कर दिया 72 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली। इसमें भी मुझे लगभग 4,800 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो था 101 पे मैंने बाय किया 300 क्वांटिटी 37,600 का सी और उसको सेल कर दिया 1190। यहाँ पे भी मुझे लगभग 5,382 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो है 86 पे ये जो ट्रेड था 37,600 के सी में, यहाँ पे मैंने इसको 86 में बाय किया और 132 में इसको सेल किया। तो ये बड़ा ट्रेड था, इसमें लगभग 18,032 का मुझे प्रॉफिट हुआ। और जो मेरा कैपिटल रिड्यूस हुआ था 7,800 रुपीज़, अब वो लगभग पहुंच चुका था 35,000। जो पहला ट्रेड था उसमें मुझे 17 जो मेरा इनिशियल अमाउंट था 2:10 के आसपास ओनली बचा था 7,800। पहला ट्रेड होने के बाद वो अमाउंट बन गया था 17,100 रुपये। दूसरा ट्रेड के प्रॉफिट के बाद वो अमाउंट बन गया था 25,000। तीसरे ट्रेड के बाद वो बन गया था 30,000। नेक्स्ट उसके बाद ये जो पांचवा ट्रेड लेने के बाद वो 35,000 रुपीज़ बन गया था और जो 18,000 प्रॉफिट होने के बाद मेरा जो अमाउंट था वो 54,482 रुपीज़ बन गया था। तो जो मेरा कैपिटल है मैं बाद में दिखाऊंगा, आज का जो मैंने यहाँ पे कैपिटल यूटिलाइज़ किया अराउंड 46,400 रुपीज़। सो मेरा 2 के बाद आप देख सकते हैं 17 में मैंने यहाँ पे लगभग 46,000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है और 7,800 उसमें ऐड कर दिए तो 54,000 रुपीज़ यहाँ पे मेरा अमाउंट हो गया। तो मेरा जो इनिशियल जो डे के चालू होने के बाद ओपनिंग डे जो मेरा बैलेंस था वो था 46,400 रुपीज़ और अब मेरा जो प्रॉफिट है वो 46,000 रुपीज़ को क्रॉस कर गया था। मेरा अमाउंट जो था वो रिलीज हो चुका था और यहाँ पे अब जाके 18,000 प्रॉफिट होने के बाद मुझे यहाँ पे 8,000 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा रहा था। तो अब मेरा अमाउंट रिलीज़ हो गया और आपको तो पता ही है कि हम FNO में इंट्राडे प्रॉफिट कोई पोजीशन नहीं बना सकते। हमारे जो प्रीवियस डे की जो ओपनिंग बैलेंस है उसी अमाउंट से हमें ट्रेड करना अलाउ रहता है। नाउ नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने 97 पे बाय किया और 105 पे इसको सेल किया तो इस ट्रेड में मुझे लगभग 3,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब मेरा जो नेट प्रॉफिट हुआ वो बन चुका था 11,322 रुपये। उसके बाद मैंने 108 पे बाय किया और यहाँ पे मेरा एक SL ट्रिगर हुआ जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे 7,000 का लॉस हुआ। तो 2 के बाद ये लगभग मेरा 7वां ट्रेड था जिसमें मेरा SL ट्रिगर हुआ। आप देख ही सकते हैं कि मेरे पास 46,000 रुपीज़ से सिर्फ 7,800 रुपये बचे थे। इतने सारे स्ट्रेस में इन सारे ट्रेड को मैनेज करना इजी काम नहीं था, फिर भी और उसमें भी अगर बैंक निफ्टी रेंज बाउंड हो जाता तो आज मैं पूरा कैपिटल ही वाइप आउट होने के लगभग 99.99% चांसेस थे। लेकिन बैंक निफ्टी ने 37,450 के ऊपर जो अपमूव दिया उसके कारण मेरा कैपिटल भी बच गया और मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा लगभग 7वें ट्रेड में यहाँ पे एक SL ट्रिगर हुआ है जिसने मुझे लॉस दिया 7,076 रुपये और मेरा जो पहला प्रॉफिट हुआ था 11,322 वो रिड्यूस होके 4,000 के आसपास आ गया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेड लिया
86 रुपीज़ पे 500 क्वांटिटी और उसको 92 रुपीज़ पे बेच दिया, तो इसमें मुझे लगभग 3,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हम, एक ट्रेड है इसमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ, 61 रुपीज़ पे मैंने बाय किया और 102 पे सेल कर दिया, तो इस ट्रेड में मुझे लगभग 20,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। और जो मेरा नेट प्रॉफिट था, जो पहले 4,000 था, वो जाके बाद में 7,500 हुआ और मेरा नेट प्रॉफिट अभी 27,000 मुझे दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट उसके बाद मैंने 23 रुपीज़ पे एक 37,600 का कॉल बाय किया और उसको 27 रुपीज़ पे बेच दिया, तो इसमें मुझे जो प्रॉफिट हुआ था वो था 1,700 रुपये और मेरा जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा था 29,622। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जर्नी 39,000 लॉस से जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया 2 बजे के बाद हुए, उसमें अब मुझे लगभग 29,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है और इसमें लगभग 70,000 का मैंने यहाँ पे मार्केट से प्रॉफिट किया है। लेकिन 39,000 वो लॉस मेरे अमाउंट में एडजस्ट हो गया और मुझे नेट यहाँ पे 29,000 रुपीज़ प्रॉफिट दिखा रहा है। उसके बाद मैंने और एक ट्रेड किया, ये भी एक अच्छा ट्रेड था मेरे लिए, जिसमें मैंने 90 रुपीज़ पे, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी ने लगभग टॉप बनाने के बाद 37,000 टॉप में, एक बार देख लेता हूँ, 752 बैंक निफ्टी ने जो टॉप लगाया था 37,752 पे जो टॉप लगाया था, उसके बाद बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आने लगा, तो तब मैंने पुट बाइंग यहाँ पे शुरू कर दी। अब यहाँ पे ये यह ऑब्जर्वेशन भी इम्पोर्टेंट होता है कि बैंक निफ्टी कहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है और उसके बाद वो रिवर्स आने के बाद हमें अपना माइंडसेट भी रिवर्स करना पड़ता है और पुट साइड के ट्रेड एडजस्ट करने पड़ते हैं। अगर हम बाइंग में बैठे और कॉल ही लेते रहते, हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और हमारा प्रॉफिट भी वाइप आउट हो सकता है। तो 752 का टॉप बनाने के बाद 50-60 पॉइंट नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग पुट साइड शिफ्ट कर दिया, अपना माइंडसेट रिवर्स कर दिया और यहाँ पे मैंने अब जो कि मैं कॉल बाय कर रहा था, तो अब मैंने यहाँ पे पुट बाइंग शुरू कर दी। ये सारी चीज़ें आपका माइंड 2-4 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको बता देता है और इसमें भी आपको स्टॉप लॉस भी लगाना ही पड़ता है, क्योंकि ये सेल कभी भी हो सकता है और लिमिट लॉस लिमिट करने के लिए ये सेल ज़रूरी है, तो हमें ये सेल लगाना पड़ता है। कभी भी हमारा ये सेल अगर बड़ा मुँह आ गया तो 40-50 पॉइंट का ये सेल ट्रेड आराम से लेता है। तो अब मैंने कॉल साइड को शिफ्ट कर दिया पुट साइड में, क्योंकि निफ्टी टॉप बनाने के बाद नीचे आ रहा था और एक अप मूव होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सोचा कि पुट बाइंग करते विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे मैंने पुट बाय किया 90 रुपीज़ पे और 142, तो इसने मुझे प्रॉफिट दिया लगभग 21,000 रुपीज़। अब मेरा जो प्रॉफिट 29,000 रुपीज़ था वो लगभग बन गया 50,000। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पुट में ही ट्रेड किया 149 और उसको सेल कर दिया 156 पे, इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ अराउंड 220 रुपीज़ और मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ पे बन गया 52,933। उसके बाद नेक्स्ट मैंने और एक ट्रेड लिया 37,600 की पुट में, इसमें मैंने बाय किया 59 रुपीज़ पे और इसको सेल किया मैंने 116, यानी ये भी एक ज़बरदस्त ट्रेड था जिसमें मुझे लगभग 40,000 प्रॉफिट हुआ विद इन 11 मिनट। तो बैंक निफ्टी ने जैसे ही 550 का लेवल क्रॉस कर दिया 37,550, तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया और इसमें मुझे लगभग 40,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे, अब देखिए मेरे 2 बजे के बाद ये दूसरा ऐसे इसमें ट्रिगर हुआ है, देखिए यह लगभग मैंने यहाँ पे ट्रेड लिए, मैं बता देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें ट्रेड में ऐसे हुआ, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 पहला ऐसे मेरे 7वें ट्रेड में हुआ 2 बजे के बाद और नेक्स्ट जो ऐसे हुआ वो हुआ लगभग 11 14वें ट्रेड में, जिसमें मुझे
लॉस दिया 11,000 रुपीज़ का। सो मेरा जो नेट टू नेट यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ था 93,000, वो 40,000 प्रॉफिट ऐड करने के बाद यहाँ पे नेट टू नेट मेरा प्रॉफिट हो गया 81,000 रुपीज़। उसके बाद मेरा और एक एसेल हो गया जिसमें मैंने 37,000 रुपीज़ पे बाय किया था। ये नॉर्मल था क्योंकि ये ट्रेड मैंने 3:18 पे लिया था, तो 3:25 पे ऑटो स्क्वेयर ऑफ हो जाती है ऑर्डर, इसीलिए मैं इस ऑर्डर में ना ट्रेड करके मैंने NRL में ट्रेड किया, तो इसमें भी मुझे लगभग 21,000 रुपीज़ का लॉस हुआ क्योंकि बैंक निफ्टी ने 37,450 के ऊपर एक अप मूव दिया था, इसके कारण यहाँ पे मेरा 37,500 का SL ट्रिगर होगा जो कि 16 पे निकल गया, लेकिन उसने मुझे 21,000 लॉस दिया। अब मेरा 81,000 से प्रॉफिट रिड्यूस होके आया 60,000 रुपीज़। नाउ डे का जो मेरे सेकंड लास्ट ट्रेड थे इसमें मैंने नॉर्मल क्वांटिटी बाई की 1,008 रुपीज़ पे, 6 रुपीज़ पे और 9 रुपीज़ पे, तो इसमें लगभग मेरा 25,000 लॉस दिखा रहा था 17,500 की पुट में। तो ये तीन ट्रेड लेने के बाद उनको मैंने एग्जिट किया 15 रुपये, 14 रुपये और 15 रुपये, तो इसमें भी मेरा लगभग 20,000 तक लॉस रिकवर हो गया और मेरा जो आप नेट प्रॉफिट हुआ 81,000 रुपीज़। नेक्स्ट मैंने लास्ट जो ट्रेड लिया वो था 12 रुपीज़ पे 1,000 क्वांटिटी, क्योंकि जो नॉर्मल ऑर्डर था इसमें मुझे 500 रुपये लॉस दिखा रहा था, वो मुझे रिकवर करना था, इसीलिए मैंने लास्ट ट्रेड लिया था, लेकिन ये ऊपर गया ही नहीं 12 के ऊपर, तो मैंने उसको 3:29 पे निकाल दिया 10 रुपये 22 पैसे। सो नॉर्मल ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए 2,500 का लॉस जो हुआ है ये नॉर्मल ऑर्डर में, इसमें मुझे 25,000 का लॉस दिखा रहा था, लेकिन मैंने 8 रुपये, 5 रुपये और 6 रुपये पे जो क्वांटिटी ली 3,000 उसके कारण लॉस मेरा रिड्यूस हो गया। उसके बाद लास्ट ट्रेड में 2,500 रुपये का लॉस हुआ। तो ये था टोटल फ्रेंड्स, मैं आपको मेरे कैपिटल दिखा देता हूँ। ये देखिए अवेलेबल कैपिटल मेरे डे ओपनिंग बैलेंस था 46,000, ये रिड्यूस होके गया था 7,800 रुपीज़ 2 बजे के आसपास, 1 घंटा ही बचा था, और अगर बैंक निफ्टी रेंज बाउंड हो जाता था तो फिर मेरी ये आज कैपिटल वाइप आउट होने कन्फर्म ही थी, इसमें कोई नो डाउट था, लेकिन बैंक निफ्टी ने वहाँ पे एक अप मूव दिया जिसके कारण मेरा 39,000 लॉस रिकवर भी हो गया, प्लस मुझे 79,000 रुपीज़ प्रॉफिट भी होगा। और एक चीज़ मैंने आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेड है 59 पे मैंने बाय किया था और 116 को उसको सेल किया था, ये जो वैल्यू है 37,600 का पुट, ये लगभग 140-145 पे गया था और तब मेरा जो प्रॉफिट हो रहा था लगभग 1,11,000 के आसपास पहुँच गया था, लेकिन 5-10 सेकंड के फ्लक्चुएशन के कारण ही नीचे आ गया और यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया, नहीं तो मेरा आज प्रॉफिट 1,00,000 क्रॉस कर चुका था। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमें 1,00,000 प्रॉफिट जल्दी आने वाले दिनों में कर सकते हैं और करेंगे भी, क्योंकि पहले हम 5,000 से स्टार्ट हुए थे 500, 1,000, 500, उसके बाद 10,000, 15,000, 20,000, 50, अब यहाँ पे आज का जो मेरा प्रॉफिट है हाईएस्ट प्रॉफिट है मेरे ट्रेडिंग लाइफ में जो कि 79,440 रुपीज़ है। तो होपफुली फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सीखने को मिला होगा, कैसे हम अगर ज़्यादा लॉस में भी चले जाए, सबसे पहले कि हमें ज़्यादा लॉस लेना ही नहीं है, अगर गलती से एक आध दिन लॉस में गए तो हम उसको रिकवर करने के लिए पॉजिटिव माइंड सेट से विद प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड करते हुए हैं, और हमारा लक अगर हमें साथ देता है तो हम डेफिनेटली अपना लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो बहुत दिनों के बाद अच्छा लगा होगा, तो मेरा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही लर्निंग वीडियो को देखने के लिए मेरा
यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।